जैसे जैसे इजरायली सेना लेबनान के भीतर घुसने की कोशिश कर रही है, वैसे वैसे हिजबुल्ला आईडीएफ के ठिकानों पर और ज्यादा भीषण हमले कर रहा है। नसरल्लाह की गैर मौजूदगी में हिजबुल्ला के कमजोर होने का जो अंदाजा आईडीएफ ने लगाया था वो पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। उल्टा अब हिजबुल्ला इसराइल के उन इलाकों में हमले कर रहा है जो अभी तक उससे अछूते रहे थे। जी हां, हिजबुल्ला ने अब दक्षिणी हाइफा के बिन्यामिना पर एक ड्रोन अटैक किया है जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई है जबकि दर्जनों से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। दरअसल 13 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्ला ने बिन्यामिना में आईडीएफ के एक ट्रेनिंग कैंप पर ड्रोन्स का पूरा जत्था फायर कर दिया जिसकी चपेट में आईडीएफ के ये जवान आ गए। इसराइल के मेडिकल इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक इस हमले में कम से कम 61 सैनिक घायल हुए हैं। ये हमला बिन्यामिना में गोलानी ब्रिगेड के बेस पर हुआ जहां पर गोलानी ब्रिगेड का ट्रेनिंग कैंप है। वहीं कुछ स्वतंत्र मीडिया हाउसेस का दावा है कि इस हमले में 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक घायलों में 7 सैनिक ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि गोलानी ब्रिगेड आईडीएफ की 5 पैदल ब्रिगेड्स में से एक है। इस हमले को लेकर टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला कि 2 ड्रोन हिजबुल्ला ने दागे जो समुद्र से होते हुए इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसे। ये दोनों ही ड्रोन मिर्साद ड्रोन्स थे जिन्हें ईरान में अबाबिल्टी के नाम से जाना जाता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्ला का एक ड्रोन आईडीएफ एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रहा और फटने से पहले उसने बिन्यामिना बेस पर एक मिसाइल फायर की। इसको लेकर हिजबुल्ला ने कहा कि बिन्यामिना बेस पर जो ड्रोन घुसा वो उन कमरों में जाकर फटा जहां पर दर्जनों आईडीएफ के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और जवान मौजूद थे। ये सभी लेबनान पर हमला करने की तैयारी में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगैरी ने कहा कि घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की जा रही है क्योंकि ड्रोन हमले के वक्त इसराइल में कोई भी हवाई हमले का सायरन नहीं बजा। आईडीएफ का इस घटना पर पूर्ण परिचालन नियंत्रण है। हम इसकी जांच करेंगे कि बिना चेतावनियों के ये ड्रोन कैसे घुसा और बेस पर आकर गिरा। युद्ध की शुरुआत से ही इसराइल ने ड्रोन खतरों का सामना किया है। हमें इससे बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। हम घटना की जांच करेंगे, इससे सीखेंगे और सुधार करेंगे। बड़ी बात यह है कि जब यह हमला हुआ उस वक्त आईडीएफ के दूसरे ठिकानों पर भी रॉकेट और ड्रोन हमले हुए हैं। दक्षिणी हाइफा के एक पुनर्वास और मरम्मत केंद्र और लॉजिस्टिक केंद्र पर भी अटैक हुआ। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला और आईडीएफ की सीधी भिड़ंत हुई है। प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्ला ने आईडीएफ के ऊपर रॉकेटों के जत्थे और मशीन गन से हमला किया जिसकी वजह से आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। हिजबुल्ला का कहना है कि हिजबुल्ला के लड़ाकों ने 5वीं बार आईडीएफ के जमावड़ों को मनारा सेटलमेंट्स में रॉकेटों के जत्थे से निशाना बनाया। होनीन बैरक्स में भी हिजबुल्ला के लड़ाकों ने आईडीएफ के जमावड़े पर हमला किया है। हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि जब कफार किला कस्बे के फातिमा गेट के पास आईडीएफ का काफिला गुजरा तो उस पर भी रात करीब 10 बजे भारी गोला बारूद बरसाया गया। इसके अलावा एता अल शहाब में भी इजरायली सैनिकों पर भीषण हमला किया गया। यहां पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने आईडीएफ के ऊपर मशीन गन, रॉकेट्स और गोला बारूद बरसाए।